करोड़ सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 56 जिलों की केवल गांव के सामान्य नागरिक की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि गांव के अंदर ही ग्रामीण सचिवालय के माध्यम से हम लोग जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंकिंग की सुविधा यानी बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट के माध्यम से सुविधा को वहां पर देने का कार्य कर सकते हैं। बिजली का बिल जमा करने की सुविधा हम गांव के लोगों को वहां पर उपलब्ध करा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये जितने कार्य होंगे इसमें उतने ही नौजवानों को और महिलाओं को रोजगार भी सृजन हो सकता है। ग्रामीण आजीविका मिशन कितना बड़ा कार्य कर रहा है, मैं तो जब उनके कार्यों को देखता हूं और सचमुच बहुत अच्छा काम कर रही हैं ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा। मैं पिछले दिनों जब झांसी में गया था, विगत वर्ष बेलोनी जो मिल्क से जुड़ी हुई एक समिति है उसने कितना अच्छा वहां पे काम किया। ऐसे ही हर गांव में संभावना है, हर जनपद में संभावना है। हमारे यहां कहा गया है ना कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, यानी योजक की भूमिका में अगर हमारी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आ जाए तो कोई भी गांव और हमारा ग्रामीण क्षेत्र कहीं भी कोई नौजवान अपने को बेरोजगार नहीं मान सकता, कोई महिला अपने को बेरोजगार नहीं मान सकती। आर्थिक स्वावलंबन का एक नया आदर्श आप प्रस्तुत कर सकते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को भी आप साकार कर सकते हैं और मुझे लगता है उसकी शुरुआत का एक अच्छा प्रयास है ये जो आज जिला पंचायत एक साथ लगभग 700 करोड़ रुपए की इन सभी सड़कों के निर्माण के लिए हॉट मिक्स प्लांट की सुविधा के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। याद रखना महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि कितने गांवों में आपने कुछ ना कुछ दे दिया, अब तो गांव में हर गांव में पैसा आ गया है, हर ग्रामीण क्षेत्र में पैसा आ गया है। कुछ कार्य ऐसा करिए जो वास्तव में जिसको आप कह सकें कि ये मेरे कार्यकाल का कार्य है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के पास पैसा है, गांव के अंदर की कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत को देनी चाहिए, ग्राम पंचायत अपने इस कार्य को संपन्न वहां पर करें, चाहे वह गांव के अंदर में इंटरलॉकिंग का हो, गांव के अंदर की सीसी कार्य का हो, गांव के अंदर वाटर लॉकिंग की समस्या का समाधान का हो, गांव के अंदर कूड़ा प्रबंधन के कार्य का हो, गांव के अंदर कूड़ा प्रबंधन के लिए अगर खाद का गड्ढा गांव पंचायत के द्वारा बना दिया जाए तो कहीं भी कोई समस्या नहीं पैदा होने वाली है। लेकिन यह सोच हमें विकसित करनी पड़ेगी, हमारा गांव साफ सुथरा है यह अपने आप में एक पहचान होती है, हमारा क्षेत्र पंचायत बेहतरीन तरीके से अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ा रहा है, हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी जिला पंचायतें न केवल पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती के लिए कार्य कर रहा है बल्कि पंचायती व्यवस्थाएं चाहे ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ये केवल सरकार के पैसे पर ही निर्भर न रहे बल्कि अपनी स्वयं की आय कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी अगर चिंता कर सकेंगी तो पंचायतें अगर हमारी स्वावलंबी बनेंगी तो हर गांव का व्यक्ति स्वावलंबी बनने की ओर दिशा उस दिशा में आगे कदम बढ़ा सकता है। ग्राम पंचायत के पास गांव में जमीन है, क्षेत्र पंचायत के पास भी अपने अपने क्षेत्र पंचायतों के पास लैंड है, जिला पंचायतों के पास भी बहुत सारी जगह लैंड है और गांव के हार्ट तो जिला पंचायतों के द्वारा ही संचालित होते थे, इसको इनकम के साथ जोड़ने का कार्य हो सकता था। मंडी के साथ मिलकर के, मंडी समिति के साथ मिलकर के आप उसको ग्रामीण हार्ट को रूप में विकसित करके, एक औपचारिकता निर्वहन के लिए नहीं होना चाहिए। होता क्या है हम सिफारिश पे सारा कार्य करने का प्रयास करते हैं, इनकम बढ़ाने का कार्य नहीं करते। जब पैसा आएगा नहीं और एक तरफा जाने की व्यवस्था रहेगी तो आपके पास हाथ बंद जाएंगे, आपके भी कोई उधार भी नहीं देगा। और इसलिए अगर हमें पंचायतों को स्वावलंबी बनाना है
चाहे वह ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, इनकी इनकम को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। मुझे एक राज्य के एक ग्राम प्रधान मुझे मिले, सरपंच मिले, उस गांव में सरपंच की व्यवस्था उस प्रदेश में, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भी आपके गांव में कितना, आपके पंचायत को कितना पैसा मिलता है साल में? उन्होंने कहा मैं पैसे की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा देखिए हमारा गांव एक हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी ग्राम पंचायत की जितनी भूमि थी उस भूमि को हमने किसी को कब्जा नहीं करने दिया, गांव के तालाब को गंदा नहीं होने दिया, और हम हर वर्ष हमारे ग्राम पंचायत को लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए केवल तालाब से और जो लैंड है उस लैंड का हमने कॉमर्शियल उपयोग किया, इससे ग्राम पंचायत को मिलता है, हम उसी पैसे का उपयोग करते हैं, गांव में कार्य भी करते हैं और इस पैसे का उपयोग हम गांव में गरीबों की सहायता करने में भी करते हैं। मैंने कहा कैसे सहयोग आप करते हैं? उन्होंने कहा किसी कन्या की शादी भी, परिवार गरीब है, एक आर्थिक राशि ग्राम पंचायत की तरफ से हम उनको देते हैं, कोई बीमार हो गया उसके पास कोई सुविधा नहीं तो हम उसको एक निश्चित राशि सहयोग के लिए दे देते हैं, गांव में कोई व्यक्ति निराश्रित व्यक्ति मर गया हम उसको सहयोग कर देते हैं। यानी ये कल्पना ये गांव कर रहा है, ये भी भारत का ही गांव है। मैंने कहा आपने गांव में क्या क्या काम किया? उसने कहा हमारे गांव में पूरा गांव इंटरलॉक है, इंटरलॉकिंग से जुड़ा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम है, एक भी बूंद कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हो सकता, पेयजल हमने घर घर पहुंचाया है, स्वच्छता एकदम साफ सुथरा है, कूड़ा प्रबंधन का कार्य हमने कर रखा है, अलग अलग जगह हर व्यक्ति पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करेगा, हमारे यहां सफाई कर्मी की कोई व्यवस्था नहीं लेकिन गांव पूरा अपने कार्य को संपन्न करता है और गांव अपने सारे कार्यों के लिए हम लोगों ने जगह पहले से आरक्षित कर रखी है, कहां रामलीला होनी है, कहां होलिका दहन होना है, कहां शमशान घाट बन है, कहां पर कब्रिस्तान बनना है, कहां गौचर भूमि सुरक्षित होनी है, कहां गाय गौचारण की व्यवस्था होनी है, कहां पर खेल का मैदान बनना है, कहां पे क्या क्या चीजें गांव में हमने व्यवस्थित रूप से करके रखा है। और हमारा ग्राम पंचायत एक आत्मनिर्भर गांव है, हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम अपने गांव में लगाया है, सुबह शाम एक एक घंटे के लिए हम लोग भजन उसमें बजाते हैं लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज है, इतनी कर्कश नहीं होती कि व्यक्ति और काम न कर सके, अपने सामान्य कार्यों को करते हुए भी हमारे ये कार्य वहां पे संचालित हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या हमारे ग्राम पंचायत में नहीं है। हाँ, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पंचायत में कोई बैठक होती है, इमरजेंसी बैठक हो, उसके माध्यम से गांव को कोई सूचना देनी हो उसका उपयोग हम लोग अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उसका उपयोग कर लेते हैं। मुझे लगता है ये कार्य हर पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट जलाई गई है, स्ट्रीट लाइट को हमने मीटर से जोड़ा है, हम पावर कॉर्पोरेशन को हर महीने उसका बिल का भुगतान भी करते हैं, हमारे गांव की बिजली कभी नहीं जलती, कभी नहीं कटती है, निरंतर जलती है, सायंकाल स्वयं जलाने की व्यवस्था ऑन करने और प्रातः सूर्योदय के पहले उसको ऑफ करने की व्यवस्था कर दी जाती है, गांव में एलईडी लाइट लगी हुई है। यानी एक आदर्श गांव की जो परिकल्पना है उसको देश के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायतें पूरा कर रही हैं और मुझे लगता है यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें कर रही होंगी लेकिन अभी तक हम हाईलाइट नहीं कर पाए, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। कौन कौन से ऐसी आदर्श ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों को, कौन से ऐसी आदर्श क्षेत्र पंचायतें हैं जिन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ उपक्रम किए हों, कुछ नए प्रयोग किए हों, उनको सम्मान देने की प्रक्रिया, कौन जिला पंचायत है जिन्होंने कुछ स्पेशल कार्य किया हो जिसको एक मॉडल के रूप में रखा जा सकता। अगर पंचायतें ही आत्मनिर्भर नहीं होंगी तो फिर हम प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। याद करिए प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल खंड में देश को कुछ मंत्र दिए हैं आत्मनिर्भर भारत के, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होती है हमारी पंचायत राज व्यवस्था से। हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी तो देश आत्मनिर्भर होगा। हम इसके लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, आपके गांवों में
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो ये कार्यक्रम हमारा प्रदेश का है, किसी न किसी गांव से ही निकलता होगा। गोरखपुर का टेराकोटा गोरखपुर के औरंगाबाद गांव से निकला है, लखनऊ की चिकनकारी लखनऊ के एक गांव से निकला है, अमरोहा का ढोलक ये गांव के गांव से निकला है, पीलीभीत की बांसुरी गांव से निकली है। यानी ये जितने भी उत्पाद हैं ये गांव से निकली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे मजबूत ही है। आप चले जाइए संत कबीर नगर में, बखिरा बर्तन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, आज भी वहां बनाते हैं, ग्रामीण व्यवस्था है, गांव में रह करके लोग कार्य करते थे। क्या यह हमारी पंचायतों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने लोकल उत्पाद को प्रमोट करें? इसके लिए कहीं पे कोई कॉमन सर्विस सेंटर इसके लिए उपलब्ध करवा दें, इसके लिए कोई शोरूम दें, इसकी डिजाइनिंग के लिए, इसकी मार्केटिंग के लिए इसको करें। हमारे पर्व त्योहार आते हैं, हम बड़े बड़े गिफ्ट लेने के लिए बाजार में जाते हैं, हम प्रयास नहीं करें कि हमारे जिले में जो चीज बन रही है हम उसी को गिफ्ट के रूप में दें। अगर आप किसी के पास जाते हैं और बखिरा संत कबीर नगर जनपद से हैं और बखिरा में बने हुए बर्तन, कांसे का बर्तन कितना अच्छा वहां बनता है, वही दें कि यहां का बर्तन है, भदोही के हैं, भदोही की कालीन कितनी अच्छी कारीगरी है, वही दें। महत्व तो इस बात का नहीं होता कितना महंगा उपहार है और कितना बड़ा है, महत्व तो ये है कि हमारे कारीगरों की मेहनत और उसकी हुनर कितनी बेहतरीन तरीके से वहां पर आई है और हम कितना उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरी पंचायतों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नया कदम है और ये कार्यक्रम उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये रोजगार की संभावनाओं को ही बढ़ाएगा, ये विकास के नए आयाम प्रस्तुत करेगा, ये लोगों के मन में आपकी व्यवस्था के प्रति भी एक नया विश्वास जागृत करेगा और इस व्यवस्था को जागृत करने की दिशा में मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है। आज एक बार, पहली बार मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर जिला पंचायत के द्वारा हॉट मिक्स प्लांट से किए जाने वाले कार्यों का हम एक साथ यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। यानी कितने बड़े पैमाने पर ये कार्य होने जा रहे हैं, 2000 किलोमीटर की सड़कें प्रदेश के अंदर बनेंगी, 1800 से ज्यादा मार्ग इससे जुड़ेंगे और एक व्यापक राशि भी खर्च तो हो रही है लेकिन रोजगार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम इसकी कीमत पहले नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने रोजगार के महत्व को देखा, 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक प्रदेश में आए, हमने उनको एक बार राशन किट उपलब्ध करवाया, लेकिन वे चूंकि मेहनत कश थे उन्होंने कहा हमें कार्य चाहिए और मनरेगा के माध्यम से, विभिन्न अन्य योजनाओं के माध्यम से जब कार्य प्रारंभ हुआ, हर एक व्यक्ति खुशहाल है, कुछ ना कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है, अपनी हुनर और अपनी पूरी प्रतिभा का लाभ गांव को दे रहा है, पंचायतों को दे रहा है। और यही मैं अपेक्षा करूंगा कि जो कार्य आज यहां पर पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, यहां पर जिला पंचायतों के माध्यम से हुआ है, मैं सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को, उन्होंने इस कार्य के साथ अपनी सहमति जोड़ी और आज एक साथ हम लोग इस योजना के माध्यम से 1825 मार्गों के नवनिर्माण में लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक बड़ा कार्य आज यहाँ पर आपके माध्यम से हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य जब टिकाऊ होगा तो उस कार्य की टिकाऊ के साथ आपकी पहचान भी बनेगी, लोग आपके कार्य को अप्रिशिएट करेंगे, आपके जिला पंचायत सदस्य को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, पंचायती राज व्यवस्था को भी। ऐसे ही
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों का है। आपने देखा होगा जब शुरुआत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ नहीं हो पाई थी और जब प्रारंभ हुई थी तो इसकी गुणवत्ता पे प्रश्न उठे थे। तब भारत सरकार ने फिर 5 वर्षों तक इसके अनुरक्षण का दायित्व दिया था। उसके बाद व्यापक पैमाने पे जो कनेक्टिविटी का कार्य हुआ, लोगों ने इसको बहुत हाथों हाथ लिया, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान दी है। यानी रोजगार भी है और अर्थव्यवस्था भी है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और मैं तो चाहूंगा, हमारे ज्यादातर जनप्रतिनिधि आज के इस कार्यक्रम में हैं। मैंने आज ही मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से इस बारे में कहा है कि हम देश की जीडीपी की बात करते हैं, प्रदेश की करते हैं, लेकिन जो हमारा आधार है पंचायतों का, क्षेत्र पंचायतों का, जनपदों का, इनकी जीडीपी की चर्चा क्यों नहीं करते? आखिर इनके पास, इनके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़ने का कार्य ही वहां की जीडीपी का आधार बन सकता है और बन सकता है। आप गांव को स्वच्छ रखिए, गांव के तालाबों को, अगर वह मंदिर किसी धर्मस्थल से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका कॉमर्शियल उपयोग करना सीखिए, उसमें गांव का गंदा पानी, गांव का ड्रेनेज और सीवर गिराना बंद करिए, आप देखेंगे गांव की आधी बीमारी दूर होगी। गांव के पास पैसा आएगा तो गांव का पैसा गांव के विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के साथ जुड़ करके गांव के रोजगार को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। मैं कल देख रहा था प्रदेश के अंदर एक जनपद ने गांव के तालाब में मोती को उगाने का काम किया, एक नया प्रयोग है। ये प्रदेश के अंदर ही हुआ है, एक जनपद में, संभवतः फतेहपुर में हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी जगह आप सिंगाड़ा उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। गांव में चार चार पांच पांच तालाब है, कर सकते हैं। कहीं मछली उत्पादन का काम आप कर सकते हैं। ये कार्य अगर धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं और हम इसका कॉमर्शियल उपयोग विशुद्ध सात्विक भाव के साथ, लोगों के रोजगार के साथ ध्यान में रखकर के ईमानदारी से आगे बढ़ाते हैं, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अंततः पंचायत के पास आने वाला पैसा ये विकास की दिशा आगे बढ़ सकता है। मैं देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत की लैंड पर, जिला पंचायतों की लैंड पर कोई भी कब्जा कर लेता है। अगर हम इसका कॉमर्शियल उपयोग करना प्रारंभ करें, क्षेत्र पंचायत जहां भी बने हैं उनके पास विस्तृत भूभाग है, वहां पर उनके द्वारा भी दुकानें बनाई जा सकती हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते समय आप लोग इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि वहां कैंटीन भी आप अच्छी बनाइए। गांव का व्यक्ति आता है अपने कार्य के लिए क्षेत्र पंचायत में या जिला पंचायत में, वहां पर अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, जो भी उत्पाद वहां की है उसके लिए भी एक शोरूम दीजिए, उसको भी डिस्प्ले करिए, कैंटीन बनाइए, उस विकास खंड की या उस जिला उस जनपद की क्या उसका अच्छा भोजन है उसको रखेंगे, जो भी आएगा प्रभावित होगा। इसके अलावा वहां पर दुकानें बनाकर आप देंगे और कॉमर्शियल दृष्टि इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के पास भी एक पैसा आता हुआ दिखाई देगा। इस पैसे का फिर व्यवस्थित कैसे इसका उपयोग किया जाना है, विकास के लिए करिए। पैसा पैसे को बनाएगा, इस सोच हमें विकसित करनी पड़ेगी। देखिए, एक समय के बाद जब शासन पैसा देना बंद करेगा तब आप हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे न रहें, बल्कि आपके पास पैसा है और वह ग्राम पंचायत जो जिसका सरपंच मुझसे इस बात को कहता कि हमें शासन के पैसे की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारे पास स्वयं हमारी पंचायत के पास इतनी इनकम है कि हम अपनी पूरी गांव पंचायत की आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी ग्राम पंचायत से स्वयं करते हैं, ऐसा ही ग्राम पंचायत, ऐसा ही क्षेत्र पंचायत, ऐसा ही जिला पंचायत पूरे प्रदेश के अंदर बनने की व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और मैं चाहूंगा इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। दूसरा, कार्य जो भी हो उन कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वह PMGSY की सड़कों के रिन्यूअल कार्यों का शुभारंभ का हो, चाहे वह जिला पंचायत के द्वारा 1825 मार्गों के जो नव निर्माण से संबंधित कार्यों के शिलान्यास के बाद अब इन कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का हो,
कार्य की क्वालिटी पर हम जरूर ध्यान दें। अगर हम इसको ध्यान में देंगे तो आपको एक पहचान दिलाएगा। जिला पंचायत के जो भी हमारे अध्यक्षगण हैं, सदस्यगण हैं, हमारे प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं, जो मान्य विधायकगण और सांसदगण हैं, मैं इन सबसे भी कहूँगा कि एक टीम भाव के साथ कौन कार्य पंचायत को करना है, कौन क्षेत्र पंचायत को, कौन जिला पंचायत को, कौन विधायक और सांसद निधि से, यद्यपि सांसद और विधायक निधि इस समय सस्पेंड है, कोविड में सारा पैसा इस समय लग रहा है, कोविड मैनेजमेंट में अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये जब भी बहाल होती है हमारा एक समन्वय होना चाहिए। जिस भी निधि का पैसा जाए, हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि इस पैसे को कैसे हम कहां बेहतर उपयोग कर सकें कि अधिक से अधिक संतृप्तता का लेवल व्यापक पैमाने पर हो और सबके पास हो, विकास सब तक पहुंचना चाहिए। जब विकास सबके लिए है तो उन सब तक पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा भी हमें इन सभी संस्थाओं को आपसी समन्वय के माध्यम से करना चाहिए। मैं एक बार फिर से यहां पर आज पंचायती राज विभाग को, ग्राम्य विकास विभाग को, विभाग के मंत्रियों को और सभी जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर जिला पंचायत के अध्यक्षों ने सहमति देकर के एक साथ 750 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के शिलान्यास की दृष्टि से आज उन्होंने अपनी सहमति देकर के आज इस कार्यक्रम को एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगले 1.5-2 महीने के दौरान इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने और उसकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने का भी कार्य करेंगे तो उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगण का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, एपीजी साहब का और जिलों में भाग ले रहे सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण।